कभी कभी हमारा फोन में ये नीचे का हिस्सा टच लेना बंद कर देता है। ज्यादातर ये इसीलिए होता है कि हम ये नीचे के हिस्से में सबसे ज्यादा टच करते हैं, इसीलिए यहाँ का जो टच सेंसर होता है ये खराब हो जाता है और यहाँ का टच काम नहीं करता। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्ले स्टोर में जाके सॉफ्ट की लिख के सर्च करो। ये सबसे ऊपर जो सॉफ्टवेयर आएगा 2 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लो। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डाउनलोड सर्विस, यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट की का एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है। देन आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है चेंज लोकेशन, इसको डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, इसको भी ऑन कर देना है। देन यहाँ पे जो चेंज लोकेशन ऑन लॉन्ग प्रेस जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। अभी आपको ये जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, आप आपके हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो, मैं इतना ही रखूँगा, ये ठीक लग रहा है। अभी ये ट्रांसपेरेंसी जो होता है इसको आप हाई कर दो तो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी अगर आपको नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो आप इसको आप टॉप साइड में भी रख सकते हैं कि ये टॉप है, टॉप से मैं बैक कर सकता हूँ। और वो जो लॉन्ग प्रेस वाला ऑप्शन मैंने ऑन किया उसका मतलब यही था कि अगर इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा। आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करो, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रहे हो तो ये आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आपका स्क्रीन का कहीं हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि आप इस आपका ये नीचे हिस्सा काम नहीं करता है, तो आप यहाँ पे आप बैक नहीं कर सकते हो, तो आप ये ऊपर के हिस्से में टच करके पकड़ो और ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, आप यहाँ से आप बैक कर सकते हो।